एवरीवन, आज हम भटूरे की रेसिपी लेके आए हैं। देखिए कितनी बढ़िया बनी है और कितनी फूली फूली बनी है। अगर आप मेरी तरीके से इस भटूरे के बनाएंगे तो आपकी भटूरे भी बिल्कुल इसी तरह से ही बनेंगे, फूली फूली। ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइए आपकी ये भटूरे की रेसिपी कैसी लगी है। अब चलिए देर की इस बात की, इस भटूरे के बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैदा ले लिया है, आधा किलो मैदा ले लिया है। थोड़ी सी नमक, एक चम्मच शुगर डालेंगे। इस आधा कप खट्टा दही ले लिया है, वो डाल देंगे। एक चम्मच ऑयल डालेंगे। चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से भटूरे बनाएंगे, आपके भटूरे फूलेंगे भी और सॉफ्ट भी बनी रहेगी। मिक्स कर लिया है, अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम डो तैयार करेंगे। पानी को हमें एक साथ नहीं मिलाना। देखिए डो को हमने लगा लिया है, अब इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। अब चलिए 30 मिनट बाद हम आटे को चेक करते हैं। देखिए डो हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब कुछ सेकेंड के लिए हम मसल के ले लेंगे। अब छोटे छोटे लोहे निकाल लेंगे इस तरह से। एक लोहे ले लिया है, इस तरह से गोला कर लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे, क्योंकि मैदा है बेलने में दिक्कत आती है, मैदा लगाने से बेलने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम बेल लेंगे। देखिए बेल लिया है, इसी तरह से बेल के लेना है। इस तरह से बनाते जाएंगे और सेकते जाएंगे। अब गैस पे चलते हैं। पहले से ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, ऑयल भी हमारी गर्म हो गई है। अब हम डाल देंगे और इस तरह से प्रेस करेंगे धीरे धीरे। देखिए कैसे फूल गई है, पलट लेंगे, दूसरी साइड भी इसी तरह से सेक लेंगे। अगर आप मेरी तरीके से बनाएंगे तो आपकी भटूरे इसी तरह से फूली फूली बनेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए रेडी है, अब हम सभी को इसी तरह से बना लेंगे। आए देखिए हमने प्लेट को लगा लिया है, कितनी बढ़िया बनी है। सर्व कर लिया है, पहले से ही मेरे पास छोले की सब्जी रखे हैं। इसी तरह से आप बना के खिलाइए, सब आपको तारीफ करेंगे, बहुत ही टेस्टी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। करती हूँ आपकी भटूरे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नई हो और नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं, बाय।